नमस्कार दोस्तों, फाइनली Redmi के Note 8 Pro में एक बड़ा अपडेट आ चुका है। दोस्तों इससे पहले हमारे Redmi Note 9 Pro Max में अपडेट आया था, जिसको दोस्तों मैंने वीडियो बनाई थी। बट दोस्तों अभी इस Redmi के Note 8 Pro में एक बड़ा अपडेट दे दिया गया है। दोस्तों ये जो अपडेट है ये दोस्तों काफ़ी कन्फ्यूज करने वाला है। क्यों करने वाला है ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन दबा दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे पर Redmi का Note 8 Pro, इसमें दोस्तों एक बड़ा अपडेट आया है जो कि दोस्तों 2 GB से ऊपर का है। दोस्तों जब मैंने इस अपडेट को किया, जब मैंने इस अपडेट को देखा, दोस्तों इसका जो साइज था वो 2 GB से ऊपर का था। तो दोस्तों मुझे लगा कि इस अपडेट में ज़रूर हमें एंड्रॉयड 11 या फिर दोस्तों कुछ नए नए फीचर देखने को मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों साइज 2 GB से ऊपर का है। बट दोस्तों जैसे ही मैंने इस अपडेट को शुरू किया, तो दोस्तों मुझे इसमें कुछ नया देखने को नहीं मिला। ये अपडेट हो गया, और जब दोस्तों अपडेट हो गया तो मैंने जब इस अपडेट को होने के बाद अपने फ़ोन को चेक किया, तो दोस्तों मुझे इस फ़ोन में कोई भी नया चेंजेस देखने को नहीं मिला। 2 GB में दोस्तों सिर्फ हमें मिलता है सिक्योरिटी पैच लेवल, जो दोस्तों पहले अप्रैल का था और अब कर दिया गया है जून का। तो दोस्तों ये जो बात है मुझे समझ में नहीं आई कि 2 GB में सिर्फ हमें सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट होकर मिल रहा है, जो दोस्तों अप्रैल से जून का कर दिया गया है, ना कि दोस्तों जुलाई का। और दोस्तों एंड्रॉयड 11 का तो पता ही नहीं है कि वो कब आएगा। तो दोस्तों मुझे लगा था कि 2 GB से ऊपर का अपडेट है, तो दोस्तों इसमें ज़रूर हमें कुछ नया देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, पर लेकिन इसमें एक नया इंक्रीज कर दिया गया है, वो ये है कि पहले हमारा फ़ोन चल रहा था MIUI 12.5 पे, अब कर दिया गया है MIUI 12.6। लेकिन दोस्तों एंड्रॉयड 11 का कुछ भी ऐसा पता नहीं है कि वो इस फ़ोन में कब आएगा, और आएगा भी या फिर नहीं आएगा। जैसे दोस्तों Redmi के Note 9 Pro Max में जो लास्ट अपडेट आया था, दोस्तों वो भी समथिंग 2.5 GB का ही था, लेकिन उसमें दोस्तों हमें MIUI के साथ साथ एंड्रॉयड 11 का भी अपडेट देखने को मिला था, जो कि दोस्तों हमारा लेटेस्ट एंड्रॉयड है। बट दोस्तों इसमें सिर्फ हमें 2 GB में सिर्फ सिक्योरिटी पेज लेवल मिलता है और बाकी कुछ नहीं मिलता, क्योंकि दोस्तों Redmi का MIUI 12.5 और 12.6 में दोस्तों ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही फीचर हैं जो Redmi का 12.5 में है। तो दोस्तों मुझे इसमें कोई नया देखने को मिला। तो दोस्तों मैं अगर जिन लोगों के पास Redmi का Note 8 Pro है, जिन लोगों को Redmi का Note 8 Pro में Android 11 का अपडेट मिल चुका है, तो दोस्तों वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको इस अपडेट में क्या नया देखने को मिला। और दोस्तों जिन लोगों के पास अभी तक ये अपडेट नहीं आया है, ये 2 GB वाला, दोस्तों उनके फ़ोन में ये अपडेट ज़रूर आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।